हमने ये फैसला लिया है क्योंकि AEE R&B भी हैं, क्या साहब भी हैं, तो हमने ये फैसला लिया है कि जो पहला 5 किलोमीटर है आज यहाँ मौके पे आके कि हम चीफ इंजीनियर साहब से भी टेकअप करेंगे, जो पहला 5 किलोमीटर है उसका साथ साथ में जो है उस रोड का काम, जहाँ अर्थ कटिंग के जो अगला फेस है उसमें जो है शिंगल मेटल है या रोड़ी पड़नी है वो काम भी साथ साथ शुरू कर दिया जाए और 5 किलोमीटर के आगे का अर्थ कटिंग भी हो जाए ताकि तेज़ी से इस सड़क का काम मुकम्मल हो सके। दूसरा ये भी फैसला लिया है क्योंकि ये 10 किलोमीटर जो है ये दोचंगा तक रोड पहुंचती है, दोचंगा से आगे हिल काका में भी कम से कम 6-7-8 किलोमीटर और आगे जो है वो रोड बनेगी, तब जाके हिल काका के लोगों को आसानी होगी। और हमने फैसला किया है कि मैं आज ही जाते ही जो है एक चिट्ठी लिखूंगा R&B डिपार्टमेंट को और वहाँ से नबार्ड का प्रोजेक्ट जो है वो AEE साहब की जो है उसमें जिंदगी में ये खुद ही जो है प्रोजेक्ट तैयार करेंगे नबार्ड में, और ये प्रोजेक्ट हम नबार्ड में आगे भेजेंगे गवर्नमेंट को ताकि अगर वो नबार्ड में अप्रूवल मिल जाता है तो ताकि ये हिल काका तक रोड जो है वो मुकम्मल हो सके। उसके साथ साथ आपने एक सवाल स्कूल के हवाले से भी पूछा, तो मुड़ा आते हुए हमें रास्ते में पता चला कि हाई स्कूल मुड़ा जो है उसकी क्लासेस जो हैं वो पंचायत घर के एक कमरे में चलती है पिछले कई सालों से। बड़ा दुख हुआ ये देख के कि ये बच्चे जो हमारा फ्यूचर है, मुस्तकबिल है, उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है और उनका मुस्तकबिल अंधेरे में है। एक हाई स्कूल 180 बच्चे कैसे एक कमरे में बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं, ये मुमकिन ही नहीं है। ये एजुकेशन डिपार्टमेंट की बहुत बड़ी जो है वो एक मैं कहता हूँ उनकी उनकी खामी है ये, और उनकी जो है बड़ी शर्म की बात है उनके लिए कि ऐसे हालात में अगर हाई स्कूल की बिल्डिंग जो है वो तैयार है तकरीबन 90%, कुछ जो लास्ट में जो काम होना मुकम्मल है उसके लिए मैंने इमीडिएटली डायरेक्टर समग्रा से बात की है, मैंने उनसे गुजारिश की है और उन्होंने ये बात मानी है कि जल्दी से जो है रिक्वेस्ट भेजें R&B डिपार्टमेंट रिक्वेस्ट भेजें तो हम वो फ़ंड रिलीज़ करेंगे तकरीबन 10-15 लाख, ताकि जो आखिरी काम है वो बिल्डिंग का दरवाजे खिड़कियाँ लग सकें ताकि स्कूल के बच्चे उस बिल्डिंग में बैठ सके और जो है पढ़ाई कर सकें। सर, आप जिस रोड पर चल कर आए हैं इस रोड का आपको क्या लगा, कोई ग्रेड या कि ये किसी ढंग की रोड है? इस पे जो पैसा करोड़ों रुपये जो गवर्नमेंट के ख़जाने से निकाल के खर्चे गए हैं उसमें कितने परसेंट आपको लगता है कि ये सही जायज़ पैसा जो खर्च हुआ है और ये रोड जो सही निकली है? देखिए, अभी तक तो रोड की सिर्फ अर्थ कटिंग हुई है, अर्थ कटिंग में जो आपने ग्रेड की बात की तो मैक्सिमम तो ग्रेड ठीक है, लेकिन कुछ एक दो जगह जहाँ हमने रुक के उस बात की पता करने की कोशिश की तो वो ये पता चला कि जहाँ बीच में कहीं किसी का मकान था या किसी ने जगह नहीं दी तो उसकी वजह से जो है लेफ्ट राइट तो आ गया, तो उसमें दोनों पंचायतों के लिए एक एक जो है ना एम्बुलेंस ऑलरेडी जो है वर्क की हुई है वो मिल जाएगी। मेन पॉइंट है जो वो ये है कि हमें रोड की जो है ना परेशानी, ये जो CRF थी और आप ये R&B के अंदर है, ये हिलका का रोड है, इसकी प्रॉब्लम है सबसे ज़्यादा जो है ना, हमें इसकी परेशानी है, सब लोगों को जो है ना ज़्यादातर इसकी परेशानी है। और फिर ये स्कूल की सर क्या क्या गिनती करें अगर गिनते जाएं हम और आप सुनते जाएं तो ये पूरा दिन यहीं ख़त्म हो जाएगा। मेन पॉइंट है जो यही है रोड और स्कूल। हिलकाका की पंचायत है वो, उसका जो ज़्यादातर प्रॉब्लम उसकी थी कि एक रोड है जो मड़ा में बंद है। अब वो रीज़न क्या है क्यों बंद है ये उनको मोटिव था कि जाएं इसका हल करें क्या है। जब वो हिल काका में आए तो हमें लगा कि हमारे लिए भी यही अच्छा मौका है कि हम शानवाज साहब से बात करें और हमारे मड़ा के जो इशू हैं उनको हल करें। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम को लेके, हेल्थ को लेके, उस सब पे शानवाज साहब ने हमें बताया है और उम्मीद दिलाई है कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह जल्द अज जल्द जो हमारी ये प्रॉब्लम्स हैं लाइट को लेके, उसके बाद ये वाटर सप्लाई को लेके और एजुकेशन को लेके, इसके